good morning class <clears throat> so now today we will start exercise 8.4 question number 5 fourth part in fourth part 1 plus we have to prove <clears throat> 1 plus sec a upon sec a is equal to sec is equal to sine square a upon 1 minus cos a so i have written this question so first we take lhs means left hand side left hand side is 1 plus sec a upon sec a इस लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने इसे सेपरेट किया है मीन्स वन अपॉन सेक ए ये जो मेरा पार्ट है सेक ए जो डिनोमिनेटर में है इसमें मैंने इस सेक ए को इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में ये दोनों में इस तरह से आता है तो वन अपॉन सेक ए प्लस सैके अपॉन सेक ए यहाँ से सैके सहके कैंसिल होकर वन होता है तो फाइनली मेरे पास एल एच एस सॉल्व होने के बाद मुझे मिला सॉ कॉस ए प्लस वन अब हम हाँ उठाते हैं राइट साइड को मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना पड़ेगा या फिर ऐसा होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे किसी एक स्टेज पर पहुंचेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे और किसी एक स्टेप पर पहुंचेंगे कहीं एक स्टेप पर ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं वहाँ हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है तो मेरा एल एच एस को मैंने सॉल्व किया ये मेरा आ गया कॉस है प्लस वन अब हमने राइट right साइड को उठाया तो राइट right साइड में मेरे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए यहाँ मैं साइन स्क्वायर ए को विद आइडेंटिटी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ इसके बाद मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को लिखा कि वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस अपॉन वन माइनस कॉसे यहाँ से मेरा वन माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बचता है वन प्लस कॉसे तो ये वन प्लस कॉस है मेरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पाया था और यही मेरा वन प्लस कॉस है राइट साइड को सॉल्व करने पाया यानी इस स्टेप पर आकर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस हो जाता है नेक्स्ट मेरा जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इसमें मैंने देखो यहाँ मैंने लिखा है डिवाइड बाय साइन ए इसे हम दूसरी लैंग्वेज से भी हम इसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया यहाँ से साइन ए कॉमन लिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से दोनों का मीनिंग वही होता है कॉमन लेने का मतलब भी डिवाइड करना ही होता है तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि डिवाइड बाय साइन ए बोथ द टर्म मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ तो ये मेरा आया कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए सिमिलरली इन डिनोमिनेटर ऑल्सो कॉ से अपॉन साइन ए प्लस साइन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए तो मैंने दोनों ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स को मैंने डिवाइड किया है साइन ए से आफ्टर दैट वी गैट कॉ से अपॉन साइन ए मतलब हो गया कॉट ए साइन ए अपॉन साइन ए मतलब हो गया वन वन अपॉन साइन ए मेरा हो गया कॉसैक ए अपॉन सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये मेरा आया कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसैक ए अब हम इसे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं कि कॉट ए और कॉसैक ए को एक ब्रैकेट में लिखते हैं एंड माइनस वन को हम सेपरेट लिखते हैं एस डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करते हैं कि कॉट ए माइनस कौशैक ए एंड प्लस वन तो यहाँ मेरा जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन जो है तो न्यूमरेटर में जो माइनस वन है उस वन को मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकती हूँ तो ब्रैकेट में मैंने क्योंकि मेरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन तो वहाँ से मैंने इस वन की वैल्यू कॉसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया इसके बाद अब मेरे दो ब्रैकेट बन गए एक ब्रैकेट जिसमें मेरे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और एक ब्रैकेट जिसमें मेरे पास है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसमें यदि हम यहाँ देखें तो ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कॉसेक ए प्लस मैं यहाँ लिख देती हूँ ये जो ब्रैकेट है ये है कॉसैक ए प्लस कॉट ए एंड मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए माइनस कोट ए तो ये ये दो ब्रैकेट है अब इन दोनों ब्रैकेट मीन्स इस ब्रैकेट में से और इस कंप्लीट ब्रैकेट में से मेरा ये वाला जो पार्ट है कॉसेक ए प्लस कॉटे इसे मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से ये जब मैंने कॉमन निकाला तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ मेरा बचता है यानी इस पार्ट में तो मेरा बचता है वन ये जो मेरा पार्ट है इसमें मेरा बचता है वन माइनस ये जो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन निकाल रही हूँ कौशक ए प्लस कॉटे तो यहाँ मेरा बचता इस पार्ट में मेरा बचता है वन और इस पार्ट में मेरा बचता है कौशक ए माइनस कॉट ए क्योंकि कौशक ए प्लस कॉटे को मैं कॉमन ले चुकी हूँ अब मेरा नेक्स्ट कौशेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट बाहर अंदर मेरे पास वन माइनस ये जो माइनस साइन है ये जो माइनस है ये इस अंदर वाले माइनस को कर देगा प्लस तो वन माइनस कौसैक ए प्लस कॉट ए इसके बाद ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वन माइनस कौशैक ए प्लस कॉटे और न्यूमिनेटर में भी एक ब्रैकेट में मेरा आ रहा है वन माइनस कौसैक ए प्लस कॉटे दोनों ब्रैकेट कैंसिल होते हैं और यहाँ से मेरा आता cosec A cot A. Right है कौशैक ए प्लस कॉटे यही मेरी राइट साइड है दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ पार्ट नाउ सिक्स पार्ट ये थोड़ा सा फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है बट हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ हम देखें यदि हम यहाँ देखें ये जो मैंने डिवाइड बाय साइन ए लिखा है इसमें आप डिवाइड बाय कॉस ए करेंगे तो ये मेरा टेन में आइडेंटिटीज बन जाएगी ठीक है तो इसलिए हम और फिर टेन में जाके वहाँ थोड़ा सा हमारा ये क्वेश्चन घूम जाता है इसलिए हम यहाँ पे सिंपल साइन ए से ही ये पर्टिकुलर आप स्टेप भी देख लेना कि हाँ हमें इस वाले क्वेश्चन में साइन ए से हमें इसको डिवाइड करना है ठीक है तो इसे हम साइन ए से डिवाइड कर लेंगे उसके बाद हमारा सीधा क्वेश्चन चलेगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ सिक्स पार्ट सिक्स्थ पार्ट इज प्रूव दैट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अंडर रूट इज इक्वल टू से प्लस टेन ए तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए तो इसे हम रेशनलाइज करेंगे इसमें हम रेशनलाइज करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर जब भी हमारा रूट में आता है उसे हम रेशनलाइज करते हैं तो ये वन प्लस साइन अब रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में सेम जो भी हमारा सेम लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में टर्म्स जो भी है बस विद अपोजिट साइन मुझे इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो ये मैंने अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपन वन माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपन अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए से

स्क्वायर पार्ट हट जाएगा और डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए का जब अंडर रूट हमने लिया तो ये हो गया कॉस ए इसके बाद हमने फिर वही सेपरेशन किया है मीन्स कॉस को वन के भी अपॉन में और साइन के भी अपॉन में मैंने लिखा है तो वन अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सैक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब होता है टेन ए तो सेक ए प्लस टेन ए जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल है इट इट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट सेवेंथ पार्ट ये है साइन सेवेंथ पार्ट मेरा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है लेफ्ट हैंड साइड इसमें मैंने न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों से कॉमन निकल रहा है जो चीज़ कॉमन निकल सकती है उसे मैंने कॉमन निकाला मैन साइन थीटा मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया यहाँ मेरा बचा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिनोमीटर में डिनोमिटर में, में मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ मेरा बचा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अब इसके बाद में मैंने वन ये जो मेरा वन है ये वाला जो वन है इस वन को मैंने वन माइनस वन को एज इट इज रहने दिया और टू साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि माइनस साइन है तो मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया सिमिलरली नीचे ये जो टू कॉस स्क्वायर है इसे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके माइनस वन देन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब हम यहां देखें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एंड ये जो वन माइनस कॉस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है इसमें मैंने माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस वन जो कॉमन है वो ये माइनस है और यहाँ से ये माइनस वन कॉमन लेने से ये वन तो बन जाएगा पॉजिटिव और कॉस स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव इट मीन्स यदि मैं आपको इसे दिखाऊँ इस पार्ट को ये डिनोमिनेटर का जो पार्ट है इसमें मैंने क्या किया है ये जो है इसमें मैंने ये इस तरह से किया है कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों वन ये और ये इन दोनों में से मैंने माइनस वन कॉमन लिया है और माइनस वन कॉमन लेने के बाद ये जो मेरा वन है ये तो बन जाएगा पॉजिटिव और ये जो कॉस स्क्वायर है ये मेरा बन जाएगा नेगेटिव ओके इसके बाद में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर को थीटा को हमने बोला साइन स्क्वायर थीटा तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल ये मेरे पास आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स विच इज इक्वल टू टेन थीटा जो कि मेरी राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस इज सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर एर्थ एर्ट्थ पार्ट इन एट्थ पार्ट वी हैव टू प्रो साइन ए प्लस कॉसैक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है तो इसमें यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें सिंपल आपको एल एच एस में होल स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर थ्री साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसैक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसैक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सैक ए अब इसमें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया कॉसैक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में लिख दिया एंड ये जो मेरा पार्ट है साइन ए कॉसैक ए ये दोनों रेसी प्रोकल होते हैं मीन्स कॉसैक ए मेरा होता है वन अपॉन साइन ए तो वहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये मेरा आता है टू टू इंटू वन मीन्स टू ऐसा ही यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये जो सेक ए है ये sec ए और कॉस ए ये मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि sec ए मतलब होता है वन अपॉन कॉस ए तो यहाँ से मेरा टू आ जाता है अब इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखते हैं वन कॉस कॉसैक स्क्वायर ए को हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सैक स्क्वायर ए को वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं एंड प्लस टू प्लस टू मीन्स फोर तो अब यदि हम काउंट करें तो वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर सेवन एंड सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए तो ये मेरा हो गया एर्थ पार्ट नाउ नाइन्थ पार्ट इन नाइन्थ पार्ट cosec ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए ठीक है हम इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे लेफ्ट साइड में कॉस एक कॉसैक ए को हमने लिखा वन अपॉन साइन ए और सेक ए को हमने लिखा वन अपॉन कॉस ए यहाँ से हमारा ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इन वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए नेक्स्ट अगली स्टेप में हमने एलसीएम लिए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट ब्रैकेट साइन ए एल्सियम एंड इन सेकेंड ब्रैकेट कॉस ए एलसीएम तो यहाँ से हमारा आता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए तो वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इसके बाद नेक्स्ट हमारा न्यूमरेटर डिनोमीटर्स से कॉस ए कॉस ए कैंसिल होगा और साइन ए साइन ए कैंसिल होगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास होगा कॉस ए इंटू साइन ए ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा सॉल्व हो क्या आता है राइट हैंड साइड को यदि हम सॉल्व करें यानी वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए को यदि हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमने टेन और कॉट को कॉस और साइन में चेंज किया है तो ये हो गया वन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है साइन ए कॉस ए तो ये मेरा आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अब हमारा आया वन अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा हो गया वन इट मीन्स ये मेरा आ गया वन डिवाइड बाय वन अपॉन साइन ए कॉस ए तो ये रिसिप्रकल हो जाएगा मीन्स फाइनली वी गेट साइन ए कॉस ए तो इस स्टेप पर आकर हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल होता है नाउ लास्ट टेंथ पार्ट वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इसमें तीन चीज़ें हैं यानी तीन मेरे पास स्टेप टर्म्स हैं तो हमें इसमें करना क्या है कि इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल करना है और इस पार्ट को भी सॉल्व करके इसके इक्वल करना है तो फर्स्ट मैंने लिया है फर्स्ट पार्ट वन प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारी विद आइडेंटिटी मेरे पास हो जाता है सेक स्क्वायर ए ऐसे ही डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कौशेक स्क्वायर ए आफ्टर दैट सेक स्क्वायर को ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर है A, और कौसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए हमारे पास आता है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर तो ये मेरा आ गया लास्ट टर्म टेन स्क्वायर ए के इक्वल मीन्स फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व सेकेंड जो मेरा पार्ट है ये मैंने एरो से आपको शो कर दिया सेकेंड पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने टेन ए और कॉट ए को साइन और कॉस में चेंज किया एंड आफ्टर दैट मैंने एलसीएम लिया है एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास आ जाता है कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस ए नीचे जो नीचे जो फ्रैक्शन है उसे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए तो जो ऊपर जो न्यूमरेटर है कॉस ए माइनस साइन ए इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा आएगा माइनस इंटू साइन ए माइनस कौ से और साइन एज इट इज़ अपॉन साइन ए माइनस कौ से ये मैंने माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा ये ये जो है ये और ये इसमें एक माइनस का डिफरेंस है यानी यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा कौश नेगेटिव हो जाएगा वही मेरा डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए तो उससे मेरा ये कैंसिल हो पाएगा इसलिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा कैंसिल होने के बाद आता है माइनस साइन ए अपन कौश मीन्स माइनस टेन ए टेन माइनस टेन ए होल स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू आर एच एस तो ये मेरा है क्वेश्चन टेंथ पार्ट ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अपनी होमवर्क आपको अपनी जो भी आपकी नोटबुक है उसमें आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है सारे क्वेश्चन आपको करने हैं इसके बाद एक प्रैक्टिस शीट है लेकिन प्रैक्टिस शीट में बहुत ही कम क्वेश्चन हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सिर्फ सेवन क्वेश्चन उसमें मैं आपको दे रही हूँ ये सेवन क्वेश्चन आपको कंपल्सरी है करने हैं मंडे तक ही आपको कर लेना है बिकॉज मंडे को हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये मंडे तक आप अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर कर और मुझे सबमिट कराएंगे मंडे आपका लास्ट डेट होगा ओके okay? और आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे ही सेंड करेंगे थैंक यू सो मच